हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो. आई एम अंश कर्मा एंड यू आर वाचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका. आज आवाज़ थोड़ी हल्की है क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग फिट. अजीब सा फील हो रहा है, बट आज ही है फंक्शन हल्दी का, मेहंदी का, तो उसमें भी जाना है. 4 बज चुके हैं और वेदिका अभी अभी सोई है. उसको सोते को ही कपड़े पहना दूँगी एंड वो वहाँ पर जाके उठ जाएगी. तो अभी मैं बस रेडी हो रही हूँ. मम्मी भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं अभी. हम सब लोगों को 4:30 तक कार आ जाएगी, टैक्सी आ जाएगी जिसमें जाना है. पापा इज़ नॉट हेयर तो वो तो रात में आएंगे, बट हम लोग बच्चा पार्टी और मम्मी दादी सब लोग हम पहले पहुंच जाएंगे. बिल्कुल फिट फील नहीं हो रहा है, बट जाना तो है ही. आफ्टर ऑल इतने टाइम बाद शादी आई है घर में, तो बस मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. जी, वी ऑल आर रेडी. हम सब ने पहना है येलो. कृति अभी भी अपना मिल्क शेक पी रही है एंड बस वेदिका तो सो ही रही थी, उसको सोते सोते मैंने रेडी कर दिया. इसके बाद ना मैं खूब सारे पिक्चर्स डालूंगी, आप उसमें देख. वी आर इन टैक्सी और मैं हूँ, कृति है, मम्मी है और वेदिका है हमारी क्यूटो, और आगे है लखन और सामने बैठे हैं ड्राइवर भैया. तो बस अब हमें 5 मिनट में पहुँच जाएंगे. ये रही हमारी ब्राइड, द मोस्ट प्रीटीएस्ट ब्राइड, और मेरी पूरी फैमिली पीछे. सब लोग रेडी है, फंक्शन स्टार्ट होने ही वाला है. और ये देखो वेदू के फैन, मेरे पास आ, मेरे पास आ. ये मेरी बुआ और वो बैठी है लड़की पार्टी सारी की सारी. इधर देखो जी, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. जब भी कोई घर में फंक्शन होता है तीनों एक साथ होती हैं. और मम्मी बैठी है इधर और पूरे रिलेटिव्स पीछे बैठे हैं. हाँ, ग्रीन.
आई थिंक मैरिज इज़ सपोर्टिंग ईच अदर एंड लविंग ईच अदर सीक्रेटली. यहाँ फूफा जी बुआ के मेहंदी लगते हुए देख रहे थे, वो चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी. वो कुछ ऐसा नहीं कह रहे थे ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, बस देख रहे थे. और यहाँ पे दूसरे फूफा जी प्रॉपरली कीप लेके कहा उन्होंने कि प्लीज़ मेरी फ़ोटो क्लिक करो ऐसे कि मैं बुआ के मेहंदी लगा रहा हूँ. और ये चीज़ देख के इतना अच्छा लग रहा था. और ये तीसरे फूफा जी अपनी सेल्फी क्लिक कर रहे थे बुआ के साथ. दीज ऑल मोमेंट्स आर जस्ट प्राइसलेस. फैमिली का मतलब ही होता है सब एक साथ इकट्ठे हो, नाच गाना मौज मस्ती, यही तो शादी होती है. डू यू गाइज एग्री विद दिस थिंग? वहाँ शादी में वेदिका को अपने लिए एक फ्रेंड मिल गई. और ये वेदिका से सिर्फ 6 months पड़ी है. ये लोग इतने क्यूटली बात कर रहे थे, आई कैन एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स. यही एंड करती हूँ. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू कमेंट ऑन माय वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अब तक आपने नहीं किया. थैंक यू.